दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। गुर्जर समाज के द्वारा देवनारायण पहाड़ी यानी गोमटगिरी की जमीन विवाद के लिए नियुक्त किए गए डालचंद गुर्जर ने प्रेस वार्ता में गोमटगिरी तीर्थ के ट्रस्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जमीन पर हमारा अधिकार है और कब्जा भी है, जबकि जैन समाज को यह जमीन 1986 में आवंटित की गई है और जैन समाज सरकार की ओर से हमें दी गई जमीन पर कब्जा कर रहा है और समाज के ट्रस्टी ही जैन समाज को गलत संदेश देकर भड़का रहे हैं। यही नहीं, जैन समाज के संतों को भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि जैन समाज के ट्रस्टी इसी जमीन के मामले में 3 बार कोर्ट में हार चुके हैं और गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने ट्रस्टियों पर कास्ट भी लगाई है। गुर्जर समाज ने इन मामलों के कलेक्टर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और हमारा पैतृक हमारा मंदिर, हमारी धर्मशाला बनी हुई है, हमारी बावड़ी बनी हुई है और हमारी सेवा भूमि है। जिस मंदिर की सेवा भूमि रहती है वो मंदिर अवैध नहीं हो सकता है। 1925-26 के खसरे में बड़ा बांगड़दा में सर्वे नंबर 126 देवनारायण मंदिर की सेवा भूमि है, पुजारी के नाम पे वो मंदिर अवैध नहीं हो सकता है। हमारे सभी लीगल कागज है हमारे पास में, आवंटन है सरकारी। अरे हमारी पैतृक हमको कौन देगा ये बताओ? जब 1200 साल पहले जो हमारा पहाड़ी पे हमारा मंदिर बना है, तो ऐसे गांव में कई मंदिर बने हुए हैं जिसपे कोई हाथ नहीं लगाता और जितने मंदिर हैं अधिक सभी शासकीय भूमियों पे पहले से बने हुए हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। शासकीय दस्तावेजों में 1925 से लेकर 1960 तक में इसको खाली पहाड़ी बताया गया है। वो पटवारी और तहसीलदारों की गलती है कि समय समय पे जो चरणों की भूमि है या मंदिर लिखे हैं तो उनको रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। और इसमें हम और एक आवेदन दे देंगे कि भाई रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। अगर 2 जगह लिखे ना 2 साल छोड़ दिया तो वो सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है साहब। हम तो ये चाहते हैं कि जैन समाज से निवेदन करते हैं कि भरत मोदी जी और इनके ट्रस्टियों को फिजूल चंदा न दें और ये इनके पैसे डुबो रहे, क्योंकि जमीन के सबसे पहले कागज ओरिजिनल चाहिए। आप जमीन के मालिक नहीं और करोड़ों रुपये समाज से चंदा लेके आप अब समाज को जवाब क्या दोगे? चंदा देता है तो वो जवाब मांगता है। तो शासकीय भूमि है और दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और चंदा ले रहे हैं, तो जैन समाज से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा, पहले भरत मोदी जी से और पाटोदी जी से ओरिजिनल दस्तावेज मंगवा लें। आप चेक कर लें कि 80-81 में ये उस टेकरी का नाम यही है, उनकी जो ट्रस्ट है उसमें लिखा है कि देवधर्म टेकरी के नाम गोमटगिरी रखा जा रहा है। ये कागज आप 2 मिनट देख लीजिए, ये ट्रस्ट की कॉपी मुहैया कर। हाँ अभी नहीं, अभी ये तो देख ली, वो ट्रस्ट का कागज निकाल लिया, मतलब पक्के दस्तावेज है, वो हमारी टेकरी मांग रहे हैं। एक मैं ये कहूँगा कि जमुड़ी एफसी 610/1 और 2 में 3/4 जो उनने लिखवाई है मौखिक, तो वो 58 एकड़ का पूरा बेल्ट है, उसमें 3/4 एकड़ कहाँ दिए है उसका कोई पंचनामा नहीं है, न उसकी चतुर्सीमा है। आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री या अग्रिम हाथ पर लिखेंगे तो उसकी चतुर्सीमा लिखाती है, तो ये सब फर्जी दस्तावेज है। अब कोर्ट में बताने लायक इनके पास कागज नहीं है, भरत मोदी जी के पास में। और मेरा एक निवेदन है, मैं तो तीसरी पढ़ा लिखा हूँ और मोदी जी अपने आप को वकील बोलते हैं, बाकी 6 जगह वो मेरे से हार चुके हैं। मैं पूरी जैन समाज से कह रहा हूँ, जैन संतों से निवेदन कर रहा हूँ कि कागज मजबूत होंगे तो वो कहीं हार नहीं सकते। बाकी फर्जी दस्तावेज में अभी जांच कलेक्टर महोदय कभी जांच करवाए तो टोटल 2-4 तो अधिकारी भी इसमें सस्पेंड होने जैसे, क्योंकि गलत तरीके से आवंटन कर दिया। आपका नाम और पद बता दें। हाँ, मेरा नाम डालचंद गुर्जर और संपूर्ण गुर्जर समाज के 35 गांव आसपास के गुर्जर समाज के लोगों ने मेरे को इस लड़ाई में नियुक्त किया है, पूरी समाज की